आज एक कहानी सुनाता हूं, बहुत पुरानी कहानी है, पसंद आएगी। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। गौरैया मतलब चिड़िया। तो चिड़िया का घोंसला था एक पेड़ पर, और वो पेड़ था जंगल में। एक दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर कोई ठंड से बचना चाहता था। तो तीन चार बंदर थे, परेशान थे, ठंड से ठिठुर रहे थे, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जान बचाए इस ठंड से। तो वो जाकर के उसी पेड़ के नीचे आ गए जिस पेड़ के ऊपर उस चिड़िया का घोंसला था। एक बंदर बोला, यार भाई क्या करें, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। इतनी ठंड तो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। मर गए भाई आज तो। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो भाई यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा करके हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का कोई उपाय सोचते हैं, हैं? अगर इनमें आग लग जाए तो फिर हम ताप लेंगे और इस भीषण गर्मी सर्दी से बच जाएंगे, क्या बोलते हो भाई? तो भाई सबको ये सुझाव बहुत अच्छा लगा कि ठीक कहते हो भाई। तो बंदरों ने क्या किया कि सूखी पत्तियों का एक ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठ करके सोचने लगे कि अब ढेर तो बना लिया, अब इसे सुलगाया कैसे जाए, कैसे इसमें आग लगाई जाए, कैसे आग लगाई जाए, कैसे सुलगाया जाए, आग कैसे लगे, कैसे लगे आग, कहां से कोई चिंगारी इंगारी मिले, आग मिले तो ये सुलगे और इससे जो गर्मी निकले और आग निकले उससे हमारी सर्दी दूर हो। बड़े परेशान हो, कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी नीचे देखें, कभी ऊपर देखें। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ी। वो खुश हो गया, अरे वाह, उछल पड़ा और लगा दौड़ने उस तरफ और लगा चिल्लाने, देखो 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 हवा में चिंगारी उड़ रही है, हवा में आग उड़ रही है, मैं इसे पकड़कर ढेर के नीचे लाता हूं और उसको नीचे रखता हूं और फूंक मारूंगा और आग सुलग जाएगी। हाँ, अरे वाह वाह वाह, हमें भी दिखाई दी। कहते कहते बाकी बंदर भी हाँ हाँ करते हुए उधर ही दौड़ने लगे। दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, देखो चिंगारी, देखो आग, देखो चिंगारी, देखो आग। अब पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी ये चिड़िया ये सब देख रही थी। अब उससे चुप नहीं रहा गया, बोली, देखो बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं है, ये कोई आग का कण नहीं है, ये तो जुगनू है, ये जुगनू है, इससे आग नहीं जलेगी। एक बंदर गुस्से में आ गया, उसने चिड़िया को देखा घूर करके और गुर्राया, ए मूर्ख चिड़िया, जो चुपचाप अपने घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चली है, बैठ जा चुपचाप जाके अपने घोंसले में। इसी बीच एक बंदर उछल करके चुगनू को अपनी हथेलियों के बीच में हथेलियों को कटोरा बना करके पकड़ने में सफल हो गया। एक जुगनू को उसने पकड़ लिया, अब जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया और सारे बंदर लगे चारों ओर से फूंक मारने, फू फा फू फा फू फा, अब वो चिंगारी हो तो आग सुलग गई, चिंगारी तो थी नहीं, फूंक मार मार के बुरा हाल हो गया, लगा मारने लग रहे थे फूकम फूक फूकम फूक, फुआ फुआ फुआ। चिड़िया ये सब देख रही थी। चिड़िया कह रही, क्या अजीब है, पागल तो नहीं हो गए? तो वहीं से चिल्लाई, अरे भाइयों आप लोग गलती कर रहे हो, अरे जुगनू से आग नहीं सुलगेगी, एक काम करो, दो पत्थरों को टकरा करके उससे चिंगारी पैदा करने की कोशिश करो,
उससे आग सुलगाइए, देखना आग सुलग जाएगी। बंदरों ने फिर उस चिड़िया को घूरा, आग तो सुलग नहीं रही थी, हैं? फूक पे फूक मारे जा रहे थे। चिड़िया फिर बोली, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम दो सूखी लकड़ियों को ही आपस में रगड़कर देख लीजिए। अरे सूखी लकड़ी भी जोर जोर से रगड़ोगे तो उससे चिंगारी निकल आएगी। अब बंदर बड़े परेशान हो रहे थे, खूब फूक फाक कर रहे थे, अब जुगनू से कोई आग निकलती है, चिंगारी निकलती है, खींच गए, बहुत बुरी तरह से खींचे हुए थे, सुलगा नहीं पा रहे, असफल हो रहे थे बार बार फूक मार मार करके। तो एक बंदर गुस्से में भर उठा, पहले तो चिल्लाए, चली जाए यहां से, ठीक है परेशान मत कर, लेकिन चिड़िया उनको समझाने पे लगी हुई थी। तो बंदर को गुस्सा आ गया, वो बहुत गुस्से में भरकर, तू हमें सिखाएगी, ये तो वैसे आग नहीं लग रही, तू हमें सिखाएगी। आगे बढ़ा और उसने चिड़िया को पकड़ लिया और चिड़िया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पे दे मारा। अब चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और थोड़ी देर बाद ही उसकी टै बोल गई, मतलब मर गई। तो क्या समझे इस कहानी का जो सार है या इस कहानी की जो सीख है वो क्या है? इस कहानी की सीख है बच्चों, बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। कहानी खत्म, पैसा हजम, फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।